नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, अक्षय कुमार खिलाड़ी कुमार भारत की नागरिकता ले चुके हैं, कनाडा की नागरिकता सिटीजनशिप छोड़ दी उन्होंने, एक तो ये खबर है। दूसरी दोस्तों, ओएमजी उनकी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कर रही है, अभी तक आराम से 1.5 करोड़ क्रॉस कलेक्शन हो चुका है फिल्म का, और इंडिया में कुल मिलाकर के 90 करोड़ के आसपास ये फिल्म करीब 80 करोड़ से ऊपर फिल्म जा चुकी है, तो फिल्म ठीक कर रही है। जो सेल्फी वगैरह और पिछली 4-5 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर दरअसल हुई थी, तो अब ये फिल्म कुल मिलाकर के अच्छा कलेक्शन कुल मिलाकर के करती हुई दिखाई दे रही है। कल भी 5-6 करोड़ का कलेक्शन आया, आज भी 4-5 करोड़ का कलेक्शन आने वाला है, तो ठीक है। कुल मिलाकर के फिल्म का काम यह है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हो सकती है और हो जाएगी सफल, हिट का दर्जा मिलेगा। लेकिन दोस्तों, अगले वर्ष खिलाड़ी कुमार की जबरदस्त वापसी होने वाली है, अगले वर्ष सही हकीकत में मजा आएगा। हालांकि इस साल भी उनकी कैप्सूल की लाएगी, और कैप्सूल फिल्म जिसका नाम द ग्रेट इंडियन रेस्क्यू रखा गया, वो फिल्म रिलीज होगी। और इसके अलावा दोस्तों, एक स्टार्टअप ये फिल्म भी इसी साल रिलीज होने वाली है, तो कब तक होगी, कौन से प्लेटफॉर्म पर होगी, थिएटर्स में होगी, इसकी अभी नॉलेज अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन दोस्तों, अगले वर्ष को भी अक्षय कुमार ने बुक कर लिया है। एक तो उनका जो ईद है, ईद के अवसर पर उनकी फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ आ रही है, अली अब्बास जब्बा ने डायरेक्ट की है, टाइगर श्रॉफ साथ है, बहुत बड़ी फिल्म, बहुत जबरदस्त एक्शन से भरपूर मूवी होने वाली है, और ये फिल्म अक्षय कुमार को वापस बॉक्स ऑफिस पर स्थापित करेगी, मेरा ऐसा मानना है। इसके अलावा दोस्तों, हेरा फेरी 3 दिवाली पर आने की संभावना है, स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है, और डेफिनेटली अगले वर्ष दिवाली पर इस फिल्म को रिलीज करेंगे। दो बड़ी फिल्में, ये भी बहुत बड़ी एक हिट फ्रेंचाइजी है, तो ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर सकती है, धमाल कर सकती है, नए रिकॉर्ड्स बना सकती है। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, प्रेस रावल, राजू श्याम और बाबू भाई। और उसके बाद में दोस्तों, क्रिसमस पर वेलकम 3, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, और शायद इसमें संजय दत्त, हर्षद वारसी की भी वापसी हो गई है, नाना पाटेकर, रणबीर कपूर दिखाई नहीं देंगे। इसका भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया है कि 2024 के क्रिसमस के अवसर पर यह फिल्म रिलीज होगी। तो 3 बड़ी फिल्में लेकर के अक्षय कुमार 2024 में आ रहे हैं, तो खिलाड़ी कुमार बहुत जबरदस्त वापसी करने वाले हैं। हालांकि ओएमजी 2 भी ठीक है, लेकिन कई लोगों को पसंद नहीं आई, सेंसर में रही है, ए सर्टिफिकेट मिला है, तो काफी विवादों में रही है। खैर, उसकी बात मैं अभी इस वीडियो में नहीं करूंगा, फिलहाल इतना ही। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय श्री राम, जय भोलेनाथ।